शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। तब सिखलाएंगे दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे अल्लाह ते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ अफ्तारी से किया है और अफ्तारी में हमने कर ली, तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। और आज मैंने फ्राई बैंगन बनाए थे और साथ ही जो है मैंने शामी कबाब भी फ्राई किए थे। तो ये फ्राई बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती हूँ अपने लिए। बाकी घर में जो है ये कोई भी नहीं खाता, तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। और अभी जो है मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो शामी कबाब हमने अफ्तारी से पहले सारा मसाला जो है वो पीस के रख लिया था, और अभी जो है मैं इसको फ्राई करूँगी सिर्फ। तो बस खाना वाना खा लिया था और अभी मैं नीचे कमरे में आई हूँ। और मैं पूरा जो है अपना रूम समेट के गई थी और बच्चों ने पिर पहला दिया है, तो अब दोबारा से इसको समेटूंगी और फिर मैं सिलाई करूँगी। मैं अपनी बेटी के कपड़े सी रही हूँ आज। तो मैंने नेट से ये डिज़ाइन निकाला था और इस पर मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मुझे इतना ख़ास जो है मैं सिलाई में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो अभी मैं इस पर कोशिश कर रही हूँ, जब ये पूरी तरह बन जाएगी तो फिर मैं इसकी अलग सी वीडियो बनाऊँगी। और अबुल हसन बिल्कुल भी मुझे सिलाई नहीं करने दे रहा था, कभी रील निकाल लेता था, बस शरारतें जो है वो बहुत कर रहा था। तो इस वजह से अभी इसको मैं पहले सुलाऊंगी, फिर मैं बाद में सिलाई करूंगी। तो नीचे वाला गेयर इसका मुकम्मल हो गया है और इसमें मैंने चुनटे डाल दिए। तो बस थोड़ा सा जो है इसमें काम रहता है, अभी इसमें बेल्ट लगेगा और डोरी जो है वो इसमें डलेगी बेल्ट में। तो आस्तीनें जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। और सहरी का टाइम है, मैं सहरी कर रही हूँ। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।